फ्रेंड्स, SK24 न्यूज चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एडवोकेट शताब खान आज आपको बताऊंगा कि सिंडिकेटर क्वेरी को किस प्रकार करें। सबसे पहले मैंने अपना लेजर और पार्टी का लेजर एक्सेल में ले लिया है। एक्सेल में ही मैं डिफरेंसेस निकाल सकता हूं। जब कभी भी आप पार्टी से स्टेटमेंट मंगवाते हैं, हमेशा एक्सेल शीट में ही मंगवाएं। अगर आप PDF फॉर्मेट में मंगवाएंगे तो उसको आपको एक्सेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और एक्सेल में डाटा कन्वर्ट सही से नहीं होता है, फिर बाद में आपको जो है एक्सेल में टाइपिंग करनी पड़ेगी और डाटा स्टेटमेंट को एक्सेल में बनाना पड़ेगा। इसलिए आप पार्टी से स्टार्टिंग में ही एक्सेल में स्टेटमेंट मंगवाएं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि दोनों में डिफरेंस कितना है क्लोजिंग बैलेंस में। हमारा डिफरेंस 900 रुपए का है, तो डिफरेंस निकालने किस चीज का डिफरेंस है, इसलिए ही मैं एक्सेल का यूज करता हूँ। सबसे पहले हमने इसका डेबिट साइड सिलेक्ट करना है और इसका क्रेडिट साइड सिलेक्ट करना है और इन दोनों के बीच में यूनिट वैल्यू क्या है वो फाइंड आउट करनी है। डुप्लीकेट की जगह हमने करना है यूनिक। ओके, अब ऐसे ही हमने इसका क्रेडिट साइड सिलेक्ट करना है और इसका डेबिट साइड सिलेक्ट करना है। सेम प्रोसेस, हाइलाइट्स, डुप्लीकेट वैल्यू में यहाँ पे हमने चेंज करना है यूनिक वैल्यू एंड इसको कलर हम कर देंगे चेंज। ओके, ये देखिए जो हाईलाइट है उनका हमने टोटल करना है, ओनली हाईलाइट का, ठीक है। ऊपर से जीरो है उसका जीरो को नहीं करना, यहाँ पे इसको करना है एक ही वैल्यू यहाँ पे भी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर 1000 प्लस में 5000, इसके बाद सेम प्रोसेस 7000, ये डिफरेंसेस निकल गए दोनों के। अब इन डिफरेंसेस का टोटल ये हम दोनों इनका डिफरेंसेस निकाल लिए हैं। अब इन दोनों के डिफरेंसेस का नेट डिफरेंस निकालना है हमने। ये देखिए यहाँ 500 है और यहाँ 900, इसका मतलब है या तो अपने जो डिफरेंस वैल्यू है वो प्रॉपर नहीं आई है या फिर कोई वैल्यू ऐसी है जो एक से अधिक बार है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि क्या कहते हैं कि डिफरेंस जो यूनिक वैल्यू है वो ना ही हो। ऐसे केस में जब भी कभी ऐसा हो कि आपका जो नेट डिफरेंस है और जो क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस है वो मैच ना हो, तो इसका रीजन खाली एक ही हो सकता है कि कोई ना कोई वैल्यू लेजर में ऐसी है जो एक से दो बार आई है। वैसे तो देखने से 4-5 एंट्री हैं, देखने से मैं बता सकता हूँ कि 400 जो है यहाँ पर दो बार है और यहाँ 400 जो है एक बार है, इससे का ही फर्क है जो ये 400 रुपये का फर्क आ रहा है। ये तो 4-5 एंट्री हैं, अगर एंट्री काफी काफी हैं और हम ऐसे नहीं दे सकते, इसके लिए एक तरीका है। इसके लिए हम काउंट फॉर्मूले का यूज करेंगे जो ये बताएगा कि कौन सी वैल्यू एक से अधिक बार है।
इक्वल टू जी। देखिए इसमें नंबर आ गए। अब हमने वी लुकअप की हेल्प से इस डाटा को यहाँ पर लेके आना है। लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल अरे होगी हमारी ओ से पी तक कॉमा कॉलम टू की फिगर पिक करनी है हमने कॉमा जीरो। यहाँ पे हमने इसको फ्रीज करना है। पहले फ्रीज करके फेस माने तो फॉर्मूला प्रॉपर नहीं आएगा। ऐसे ही हमने इसको पहले फ्रीज करना है रेंज को। ये देखिए अब हमने इसका डिफरेंस निकालना है इनके बीच का। दिस माइनस दिस ठीक है। अब हमने ये करना है इसमें हमने खाली जो डिफरेंस का अमाउंट डिफरेंस में जो वन है खाली उसी को ही लेना है। ये तो छोटा डाटा है तो मैं आपको वैसे बता सकता हूँ, बाकी अगर बड़ा डाटा हो तो हमने फिल्टर का यूज करना है। इसको सिलेक्ट करना ऊपर से कंट्रोल शिफ्ट एल से जाके यहाँ पे इसको हमने यहाँ से इसको जीरो भी हटानी है एनिमेटर ब्लैंक बढ़ाना और ओके कर देना। ये देखिए 400 है जो दो बार है और इस शीट में दो बार है। इधर एसटी में ये एशियन में दो बार है ये और ये एसटी में एक बार है ठीक है। तो हमने ये करना है एक बार है। तो ये देखिए आप हमें पता चल गया कि 400 की जो फिगर है वो दो बार है और एसके में एक बार है। तो हमें देखने कौन सी है कौन सी नहीं है इसके लिए हम इसको हटाएंगे यहाँ से ठीक है। और ये देखेंगे हम 400, ये 400 हमारा एक बार है, ये है बिल नंबर एक है, मतलब बिल नंबर चार नहीं है। तो बिल नंबर चार को भी हम बोल्ड कर देंगे, इंडिकेट कर देंगे कि हाँ हमने अलग से फाइंड आउट किया है मगर डिफरेंसेस में ये ऐड होगा। तो यहाँ अप टू करके यहाँ प्लस करके यहाँ पे हम 400 प्लस कर देंगे ठीक है। ये देखिए दोस्तों यहाँ 900 और ये 900 दोनों आपस में मैच हो गए। इस फाइल को हम सेव कर देंगे ठीक है सर। आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपको काउंट इफ के फॉर्मूले का यूज समझ में आ गया होगा कि देखो मैं काउंट इफ फॉर्मूले का यूज क्यों करते हैं। जब वैल्यू एक से अधिक बार हो तो हम काउंट इफ वैल्यू का यूज करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि आपका जो लेजर है उसकी जो वैल्यू वो राउंड ऑफ होनी चाहिए और सामने वाली पार्टी की वैल्यू भी राउंड ऑफ होनी चाहिए। अगर पार्टी राउंड ऑफ नहीं करती तो आपको उसको राउंड ऑफ कर लेना है। सपोज आपने राउंड ऑफ कर रखा है, सपोज ये वैल्यू आपने राउंड ऑफ कर रखी है और पार्टी ने पार्टी के लेजर में ये इस वैल्यू में प्लस 10 पैसे हैं
अगर आप इस तरीके से है और आप ऐसा करते हो तो ये देखिएगा कि आपका आपका ये जो अमाउंट है, ये जो वैल्यू है, ये यूनिक वैल्यू बन गई। एक्चुअल में यूनिक वैल्यू नहीं है, ये सेम अमाउंट, बस फर्क क्या है, 10 पैसे का फर्क है, ये यूनिक वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए ही हम इसको डाटा को राउंड ऑफ करते हैं। मैं आप उसको डेसिमल में दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें 10 पैसे हैं और इसमें 10 पैसे नहीं हैं। 10 पैसे लगाने की वजह से इसने ये इसको यूनिक वैल्यू ना इसने इसने इसको यूनिक वैल्यू ना बना के डुप्लीकेट डुप्लीकेट में ले गया। ओ सॉरी, ये इसने इसको यूनिक वैल्यू कर ये इसने यहाँ पे इसको यूनिक वैल्यू में दिखा दिया, क्योंकि ये दोनों फिगरें अलग अलग हो गई हैं। इसने ये हमेशा इनको जो है राउंड ऑफ करना। आप इसको मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ, देखिएगा ये यहाँ से हाईलाइट हट गया है। मैंने आपको बता दिया कि हम राउंड ऑफ लेजर को लेजर के अमाउंट को राउंड ऑफ क्यों करते हैं, ठीक है। और कभी भी जब नेट डिफरेंसेस का भी टोटल मैच ना हो इस टोटल से, तो हमेशा ही आपको ये सोचना है कि कोई ना कोई फिगर ऐसी है कि जो 1 से 2 बार है और जो वो पकड़ में नहीं आ रही है, हाईलाइट नहीं हो रही है, यूनिक वैल्यू नहीं बन रही है वो, क्योंकि वो सेम फिगर उसको सेम अमाउंट की वहाँ मैच हो रही है। जब कभी भी डिफरेंसेस आए तो आप काउंट ट्रिप के फॉर्मूले लगाकर इसको फाइंड आउट कर लें। वैसे डिफरेंस निकालने का एक और तरीका है, वो काफ़ी तरीका मुझे ज़्यादा कठिन तरीका लगा, वो आसान तरीका नहीं लगा, बट जब भी मैं एक बार उसको आपको बता देता हूँ, सबसे पहले एक शीट को मैं अलग से कॉपी कर लेता हूँ। हमने क्या करना है, हमने दोनों पार्टी के लेजरों को शॉर्ट करना है, अमाउंट वाइज शॉर्ट करना है। सबसे पहले आप इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए, नहीं तो ये आपको कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। और इसको भी हटा दीजिए, ये तो मैंने लिख रखा है सेकंड ट्रिक को, जब मैं आपको समझाऊंगा तो जब ये हमारे काम आएगा। और हमने जो है खाली हमें क्या डेट चाहिए, वाउचर नंबर चाहिए और डेबिट डेबिट और क्रेडिट वैल्यू चाहिए। एक चीज का ध्यान रखिए आप, मैं आपको बताना भूल गया, जैसे कि मैंने यहाँ पे 400 400 दो बार था, मैंने कैसे फाइंड आउट किया था कि कौन सा 400 इसमें है कौन सा 400 इसमें नहीं है। मैंने यहाँ से बिल नंबर पर देखा, वाउचर नंबर मेरे यहाँ पे बिल नंबर ही है, ये वन नंबर और वन नंबर में मैच हो गए, मीन्स ये और ये एक है, ये वाला वाउचर 400 वाला अलग है। और कई बार होता है कि हाँ वाउचर नंबर की जगह हम बिल नंबर ना लिख के जेवी पीवी वगैरह लिखते हैं तो हमें पता, पर इस केस में जेवी पीवी लिखा होता तो हमें पता नहीं चला कौन सा 400 इस ये वाला है कौन सा 400 वाला नहीं है। तो इसके लिए हमने टैली में जाके एंट्री को 400 वाली सारी दोनों एंट्री को ओपन करके उसमें मैच करना पड़ेगा कि कौन सा बिल नंबर मैच है, क्योंकि बाहर तो बिल नंबर लिखा नहीं है। तो मैं एंट्री ओपन करके हमें देखना पड़ेगा कि आखिर वो 400 कौन सा है जो मैच हो रहा है, इसके बाद हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर वाउचर नंबर लिखा है तो अगर वाउचर नंबर की जगह हमने बिल नंबर लिखा तो हम बाहर से ही इसको क्रॉस कर सकते हैं, अगर हमने वाउचर नंबर में जेई पीवी लिखा है तो हमें टैली के अंदर जाके खोलना पड़ेगा। चलिए मैं वापिस आपको समझा देता हूँ कि हमने खाली डेट चाहिए हमें और वाउचर नंबर और डेबिट, तो इसमें से हमें इन दोनों को जो है हाइड कर देना पड़ेगा। हाइड इनको मैं हाइड करता हूँ, ये देखिए हाइड, और इसको भी आप हाइड कर दीजिए, ठीक है। और ऐसे ही आपने इसको भी
कर देना F4 के कमांड से, आप जो लास्ट कमांड होती है आपकी वही सेम रिपीट हो जाती है F4 प्रेस करने से, F4। ठीक है, और इसके बाद हमने इस कॉलम के बीच में हमने जो है दो कॉलम इंसर्ट करने हैं, इनसे दो कॉलम इंसर्ट करने हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखना है, सॉरी एक एक करके आप कॉपी पेस्ट कीजिए, कॉपी पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट, क्योंकि वहां पे हमने हाइड कर रखा है बी कॉलम को, तो वो भी पेस्ट हो रहा है ऐसे करने से। हाँ, पूरा कॉपी करके इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। और अब हमने इसकी जो डेट है, यहाँ पर जो वैल्यू है ना, कैट की जो वैल्यू है, इस वैल्यू की डाटा हम यहाँ से पिक करना है। मतलब हमने ये कंट्रोल सी, सॉरी इसको भी हमने सिंगल सिंगल पेस्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल सी वी, कंट्रोल सी एंड वी, ऐसे ही हमने जो है यहाँ पे इसका डाटा कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, कंट्रोल आप देख लीजिएगा, आपको ये हाइड करने हैं या डिलीट करने हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, कि आप डिलीट करते हैं तो आपको ये कॉपी पेस्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें से ये जो डुप्लीकेट यूनिक वैल्यू का फॉर्मूला है, इसको यहाँ से आप रिमूव कर दीजिए, यहाँ सेलेक्ट करके। अब आपको जो है यहाँ को सिलेक्ट करके इसको यहाँ तक, इसमें है, इसमें आप यहाँ पे इसको भी आप राउंड ऑफ कर लीजिए। हमने इसको दिखाने के लिए मैंने इसको डेसिमल में किया था, शॉर्ट करना है डाटा में जाके, डेप्थ वैल्यू को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। हमें ऊपर से सिलेक्ट करना है, हमें क्या करना है, हमने डाटा को स्टोर कर लिया है, डेबिट क्रेडिट, अब हमने इनका डिफरेंस निकालना है। पहले तो इसका डेबिट माइनस इसका क्रेडिट, इसका क्रेडिट माइनस इसका डेबिट, तो हमें ये देखना। अब हमें क्या करना क्या है, अब हमने
इसको मैच करना है। ठीक है, 0 है, हमने फिगर के हिसाब से फिगर मैच करनी है, फिगर के हिसाब से फिगर मैच करनी है। हमें 5,000 रुपये ये डिफरेंस आ रहा है, तो हमें देखना है यहाँ पे ये 7,000 है या 2,000 है। इट मीन्स ये 2,000 है, यहाँ है आपका 7,000 रुपये। तो हम यहाँ पे इसको खाली इस कॉलम को ध्यान से देखिए, इस कॉलम को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, फिर दोबारा से फॉर्मूला कॉपी करके पेस्ट करेंगे। हमें हमारा मेन मकसद यहाँ पे जो है प्रॉपर प्रॉपर जो है अमाउंट टू अमाउंट मैच करना है। जैसे था 2,000 था यहाँ पे, यहाँ पे 2,000 है नहीं, 7,000 है, तो 7,000 को नीचे कर दो। यहाँ पे 46,000 था, यहाँ मैच हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2,000 था, यहाँ 2,000 नहीं है, यहाँ 7,000 है, तो 7,000 वाला कॉलम नीचे हो जाएगा। अब हम नीचे आए, हम देखें यहाँ 7,000 है, यहाँ डिफरेंस आ रहा है। सबसे पहले डिफरेंस देखो, डिफरेंस आ रहा है तो ही तो वर्किंग करनी है। यहाँ 7,000 है, यहाँ दो, यहाँ पे 400 है, तो हमने अब यहाँ पे इसको नीचे करना है। ठीक है दोस्तों, ये शिफ्ट सेल डाउन, यहाँ डाउन कर देना है। फिर दोबारा से ये फॉर्मूला, ठीक है, इस फॉर्मूले को कॉपी करके हम दोबारा पेस्ट मार देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए ये, ठीक है, ये यहाँ डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस ठीक आ रहा है, जो कि कॉलम है ही नहीं खाली है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ठीक है एक सिंगल है, यहाँ पर है ही नहीं भी। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये मेरा हमारा मैच है, और ये हमारा डिफरेंस आ रहा है। अब हमें इस तरीके से ही इस सेट का डाटा हमें मैच करना है। अब हमें देखना है यहाँ 500, यहाँ पे 5,000 है। इट मीन्स ये 500 में इसको हमें नीचे करना है। ठीक है, इसको फार्मूला में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला ये यहाँ पे हमें 5 करना पड़ेगा, 5। ठीक है, ये ठीक है हमारा, ये F2 करेंगे, 5,000 है यहाँ खाली है। ठीक है, ठीक है, ये 500,000 है, तो हमने क्या करना होगा, हमने जो है यहाँ पे इसको हमें नीचे करना होगा। कंट्रोल सी करके दोबारा से हमें पेस्ट मारना होगा। ये देखिए ये भी सिंगल है, ये भी मैच, ठीक है, ये भी सिंगल है मैच है, और ये भी सिंगल है मैच। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, ये देखिए इस प्रकार हमने ये इसके डिफरेंस निकाल लिया। अब इन जो डिफरेंस निकाले हैं हमने इनको टोटल करना है। अगर कोई फिगर राउंड ऑफ नहीं होती, सपोज जैसे कि ये फिगर राउंड ऑफ नहीं है यहाँ पे, हम पार्टी ने जो है यहाँ पे पॉइंट 10 पैसे लगा रखे हैं और हमने इसको राउंड ऑफ कर रखा है, तो हमें इसको राउंड ऑफ कर लेना है। राउंड ऑफ का फार्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ। comma 02, ये देखिए इस प्रकार हम राउंड ऑफ करने के बाद ही ये मेथड अपनाएं। पहले वाला मेथड में भी राउंड ऑफ करना है, इस वाले मेथड में भी हमें राउंड ऑफ करना ही करना है। और राउंड ऑफ का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। ये देखिए हमने ये दोनों डिफरेंसेस का टोटल कर लिया है यहाँ पे। अब इनका नेट डिफरेंस निकालेंगे। जी देखिए हमारा आया 900,
और हमारा एक्चुअल में डिफरेंस कितना था पार्टी का, वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे कितना डिफरेंस है हमारे पार्टी का। ये देखिए हमारा जो डिफरेंस था वो 900 ही था, और यहाँ पे भी इस तरीके से भी हमारा जो डिफरेंस निकला है वो 900 ही निकला है। जब आप यहाँ से भी टोटल कर सकते हैं इसी शीट से भी, यहाँ देखिए दिस माइनस 900, ये देखिए इस तरीके से भी डिफरेंस 900 रुपये आ रहा है, ये भी 900 रुपये आ रहा है। इट मीन्स हमने सही डिफरेंसेस एंट्रिया फाइंड आउट कर ली है। अब हमने जो हेड किए थे हम उनको अनहेड कर देते हैं। ये देखिए सपोज कीजिए कि हम पार्टी पार्टी का जो वर्क करते हैं, हम पार्टी से सपोज हम ऐसे एशियन का जो वर्क करते हैं, तो पार्टी तो अपना बिल पूरा पूरे अमाउंट से दिखाएगी, बट हम जब पार्टी का बिल चढ़ाएंगे तो उसको हम TDS काट लेंगे, है ना, उसका हम TDS काट लेंगे। तो उस केस में हमारी ये वैल्यू जो है, सपोज हम फॉर इसका एग्जांपल लेते हैं 400 रुपये बिल नंबर एक, सपोज पार्टी ने बिल नंबर एक इश्यू करा 400 रुपये का, पार्टी ने फुल अमाउंट से बिल चढ़ा दिया और हमें स्टेटमेंट दे दी, और जब हमने पार्टी का बिल नंबर एक अपनी बुक्स में चढ़ाया तो हमने TDS काट के, हमने जो है TDS काट के जो है उस पार्टी की एंट्री करी, सेल की परचेज की एंट्री काट के करी। तो मैं किसी एक फिगर को पकड़ के आपको समझा देता हूँ कि क्या है, जैसे कि ये, हाँ ठीक है, जैसे कि पार्टी का ये बिल नंबर एक है, 400 रुपये का चढ़ाया, जब 400 रुपये वाला बिल, ये बिल नंबर एक मेरे पास आया तो मैंने क्या करा, मैंने इस वैल्यू का फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इसी वैल्यू का 10%, इस वैल्यू का 10% TDS काट के मैंने एंट्री करी, मतलब 40 रुपये, मतलब 40 रुपये काट के मैं बिल की एंट्री करता हूँ, तो मेरे पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -40। तो ये देखिए आप, जब मैं इस तरीके से कोई ऐसी पार्टी का जिको कर रहे हैं जिसका हम TDS काटते हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमारे पास ये बिल नंबर एक जो है, ये बिल नंबर एक है निकला, ये बिल नंबर एक जो है वो 360 रुपये का आएगा और सामने वाली पार्टी के पास ये 400 रुपये का आएगा। तो इसके इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमें क्या करना होगा, इन जो भी बिल हैं, जो बिल हमने चढ़ाए हैं जिन पर TDS काटा है, वो सारा का सारा TDS हमने इसमें ऐड करना होगा, वो सारा का सारा TDS हमने इस वैल्यू में ऐड करना होगा। जब जाके हमारी वैल्यू सेम होगी, जब भी जाके हम यूनिक वैल्यू के फार्मूले को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको यूज नहीं कर सकते। इसलिए हमें TDS की वैल्यू को हमें अपने बिलों में ऐड करना पड़ेगा और उसके बिलों के बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने, पार्टी का जो बिल का अमाउंट है वो फुल अमाउंट है, और हमारे पास जो रिजर्व अमाउंट आ रहा है वो आफ्टर TDS डिडक्शन आ रहा है, तो हमें TDS ऐड करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो हम इसमें जो है TDS ऐड कर देंगे। तो क्योंकि मैं पहले मैंने ऐड करने ऐसी पार्टी को लेजर लिया है मैंने जिसका ऑलरेडी ही इसका TDS नहीं कटता है, ये मैंने वो बताया, अगर TDS किसी कटता होगा तो आपको किस तरीके से अमाउंट बराबर करना है, बराबर करने के लिए हमें TDS को वापस से इसमें जोड़ना पड़ेगा। और जैसे कि TDS वाली कोई पार्टी होती है तो उसका जो TDS का पार्ट, कोई पार्टी TDS की एंट्री, सपोज एशियन अपनी TDS वाली एंट्री अपनी किताब में नहीं दिखाती, हम जो TDS काटते हैं, तो उसका उसको भी हमें, जो मैं आपको आगे बताऊंगा लेजर रिकन्सिलेशन शीट में, उसको हमें TDS की फिगर को हमें वहां मैच करना होता है।
सेकंड वाले तरीके में जो हमने डिफरेंसेस निकाले हैं और जो एंट्री हमने फाइंड आउट की है, उसका तरीका पहले वाले तरीके से थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी आपको जो सा तरीका बेटर लगे उस तरीके से डिफरेंसेस निकालिए। जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे सपोज ये 2000 है, हमें देखना 2000 के लिए क्या है। 2000 को 2000 पे मैं आपको प्रेस करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये सेल की एंट्री है जो पार्टी के बुक्स में है, हमारी बुक्स में नहीं है। ये 7000 है, ये 7000 रुपये हमारे में वो पार्टी के में नहीं है। देखिए 7000 के आगे ये ओपनिंग लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है इस वाले तरीके में। इसके लिए हमें ओरिजिनल शीट पाना पड़ेगा और 7000 देखना पड़ेगा। ये 7000 हमारा बिल है जो पार्टी ने अपनी सेल में नहीं चढ़ा रखा। तो कुछ थोड़ी सी इशू है इस चीज में जो हमें ये पहले वाले तरीके से थोड़ा सा मुश्किल तरीका लगता है। सपोज 400 400 पार्टी ने सेल दिखा रखी है बट हमने नहीं दिखा रखी। इस तरीके से हमें एक एंट्री को देखना पड़ेगा और कुछ एंट्री ऐसी मिलेंगी जो यहाँ पे क्लियर नहीं होंगी अमाउंट, क्योंकि हमने अमाउंट पे लगाया है, अमाउंट पे लगाया है। इसमें नरेशन भी जो पर्टिकुलर वगैरह हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसलिए हमने पहले वाला तरीका जो है हमें बेटर लगता है दूसरे तरीके से। अब आपको बताऊंगा मैं कि इन डिफरेंसेस को ओरिगो शीट में किस प्रकार लिखें। अब आ जाता हूँ मैं रिको शीट पे। ये देखिए मेरी रिको शीट है, मैंने बना रखी है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ मैंने किस प्रकार बनाई है। ये मैंने अपना नाम लिखा अपनी कंपनी का, एक रिकन्सिलेशन एग्जाम डेट वगैरह कब से कब पीरियड है, ये सब कुछ आप कर लेना। अब मैं फिर आता हूँ सर 1/4/2020 का ओपनिंग, ओपनिंग कितना एशियन का 0 है, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया पार्टी का, सॉरी हमारा, हमारे भी 0 है। कि क्लोजिंग कितना है 31/3/2021 का क्लोजिंग, ये क्लोजिंग हमने यहाँ से लिख दिया 48, और ये क्लोजिंग हमारा एसके में कितना है 47। कैरेट है ना, कैरेट बैलेंस हमेशा माइनस में लिखना हमने। ये हमने इसका डिफरेंस है 900 रुपये, ठीक है। ये 900 ही हमारा यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं नीचे, ये हम लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस एज पर एशियन, एशियन क्लोजिंग बैलेंस कितना है, तो हमने यहाँ पे कर लिया यहीं से। अब हम लिखते हैं जो हमारे रिको के डिफरेंसेस के एंट्री निकली है उनको हमने रिको शीट में पुट करना है। सपोज जैसे ये था हमारा, ये कोई डेबिट नोट था 1000 रुपये का, इसकी डिटेल हमने लिखी डेट डेबिट नोट नंबर अमाउंट 1000 रुपये, ठीक है। मतलब डेबिट नोट इश्यू बाई एसपी स्टेट बट नोट एंड शॉर्ट बुक्ड बाई एशियन ने बुक नहीं करा। अब इसने क्या नाम है, 1000 रुपये की जगह 500 रुपये का बुक कराई डेट नोट, तो हमने यहाँ माइनस करके इसी शीट में माइनस करके डाल दिया, तो 500 रुपये माइनस में हमारा माइनस होकर आ गया। ये दो एंट्री हमारी क्लियर हो गई, 500 वाली और 1000 वाली, ठीक है। हमने अब जैसे हमने ये पॉइंट लिखा है, मैंने चेक इश्यू ऑनलाइन चेक इश्यू बाय एसके स्टेट बट नॉट एंटर्ड बाय एशियन 5000 रुपये का चेक, ये वो भी 5000 रुपये का चेक था यार जो हमने पेमेंट की थी और ये पार्टी ने नहीं चढ़ाया, ये भी हमने लिख लिया। ये पॉइंट क्लियर हो गया हमारा। बस जितने भी मेरे हाईलाइट पॉइंट हैं जो डिफरेंसेस के हैं इन सबों को वहां दिखाना है। इस तरीके से मैंने ये कुछ बिल थे ये बिल नॉट एंटर्ड इन एसके शीट्स, 2000 का बिल है, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर बिल वो है जो सेम फिगर 2 बार आ रही थी 400 400 वाली, तो मैंने इसको काउंट इफ फॉर्मल लगा के फाउंड आउट किया था, 400 रुपये को बोल्ड कर दिया था, इसको भी हम शीट में लिखेंगे, ठीक है। ये भी हो गया वर्क का, और ये था हमारा बिल एंटर्ड बाय एसकेएम स्टेट बट नॉट एंटर्ड इन एशियन,
एक 7,000 का एक बिल था जो हमने चढ़ा था, पार्टी वाले ने चढ़ा रखा, तो हमने इसको मेंशन कर दिया, भूल तो मैं पार्टी वाले से रह गया होगा। अब आप ये समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कौन सी फिगर को लेस किया है, ये लेस है, ये भी लेस है, ये भी लेस है और ये प्लस है। ये मैं बताऊंगा आपको कि ये लेस कौन सी करनी है, वो प्लस कौन सी करनी है सिंपल लैंग्वेज में, फिर आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे किस फिगर को हमने जमा करना है, किस फिगर को हमने घटा करना है, घटाना है। हमने पार्टी के बैलेंस से अपने बैलेंस पे आना है, ये हमारा पार्टी का बैलेंस है, ये एशियन का बैलेंस है, फिर हमने इसमें घटा जमा करते करते हम यहाँ आए, और फिर हमने ये बैलेंस हमने एसटी का निकाल लिया, और हमने एक फार्मूला लगा दिया यहाँ पे, मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, E16 से E62। E16 क्या है अपना, E16 मेरा जो बैलेंस, E16 जो अपने एस के शेयर का बैलेंस है, उसमें से लगाया है कि अगर कोई अमाउंट मैच ना हो, बराबर ना हो, तो डिफरेंस आ जाए, कितना डिफरेंस रह गया है मैचिंग में, वो 0 है। इस प्रकार हमारा ये रिको मैच हो गया। ये देखिए यहाँ पे कितनी एंट्री हैं जो डिफरेंसेस की निकली हैं, एक, ये दो, ये 420, तीन हो गई, इसको तो छोड़ दो आप, ये चार, ये पांच, ये छः। अब हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे कितनी एंट्री हैं हमने नोट की हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच और छः। ये देखिए पूरी पूरी एंट्री हमने यहाँ पे मेंशन, छः की छः एंट्री यहाँ पे मेंशन कर दी, और हमारा डिफरेंस जीरो आई, तो मीन्स हमारा रिको शीट बन के तैयार हो गई है। ये हमें नीचे लिस्ट ऑफ चेक ऑलरेडी गिवन टू पार्टी आफ्टर 31/3/2021 के बाद, अगर कोई हमने पार्टी को चेक दिया है या कोई डेबिट नोट दिया है, ये उस चीज के लिए है। फिलहाल अभी आप इस पोर्शन को प्रॉपर इग्नोर कर दीजिए, आप खाली ये ऊपर वाले पोर्शन को भी देखिए, यही हमारे काम का है। इसका जो महत्व है आपको बाद में पता चलेगा है या नहीं, अगर आपका महत्व का है तो लीजिए, नहीं तो इसको हटा दीजिए, बाकी आप यहाँ तक लीजिए और यहाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम सेकेंड रिको बनाएंगे। ये देखिए सेकेंड रिको में जैसे अपने पहले लिखा सारा डाटा वैसे लिखेंगे, व्हेन रिकंस्ट्रक्शन एज ऑन, और ये पीरियड कौन सा है, स्टेटमेंट रिसीव का हुई हमें, स्टेटमेंट की स्टार्टिंग डेट क्या है, क्योंकि 31 मार्च 2021 तक हमने पहले कर ली थी, क्योंकि मार्च के बाद हम अप्रैल में करेंगे, अप्रैल हमारी स्टेटमेंट है, अप्रैल 21 से 31 जुलाई, मतलब हमने मार्च 21 तक पहले रिको कर लिया। अब उसकी बाद की रिको उठाएंगे हम, अप्रैल 21 से जो भी स्टेटमेंट है जब तक कि 31 जुलाई तक की, और 31 जुलाई तक की ही हमने अपनी उठानी है। और ये बात आप ध्यान रखिए, अगर फर्स्ट रिको का जो पीरियड है, जैसे हमारा फर्स्ट रिको का पीरियड है अप्रैल 20 से मार्च 21 है, तो जो सेकेंड रिको का जो पीरियड होगा ना, वो 31/3/2021 के बाद का ही होना चाहिए, 31/3/2021 के बाद का होना चाहिए, तो हमारा पीरियड ठीक है, मतलब हमारा मार्च 21 के बाद ही हमारा पीरियड है अप्रैल 21 से। ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, कभी भी दो स्टेटमेंट, दो जो रिको का पीरियड है वो उसमें मर्ज नहीं होना चाहिए। अगर पहला रिको आपका मार्च तक कंप्लीट है, तो सेकंड रिको आप मार्च के बाद ही बनाओगे, उसमें मार्च या उससे पहले का पीरियड इंक्लूड नहीं करोगे। मार्च तक आपने एक बार बना रखा है तो आप अप्रैल से ही सेकंड रिको को बनाओगे, ना कि मार्च से बनाओगे या उससे पहले से बनाओगे। अब आप देखिए, आप इसमें हम लिखेंगे सेकंड रिको वाले पॉइंट में हमारा ओपनिंग बैलेंस 1/21 ओपनिंग बैलेंस कितना था, ये देख के हम लिख लेंगे यहाँ पे इतना है, और एक एस के का इतना है, डिफरेंस हमारा 900 आ गया, ठीक है 900 ही है, ठीक है हमारा डिफरेंस, और हमारा 900 ही, और जो हमारी पहली स्टेटमेंट है हम ऊपर चेक कर लेते हैं कि हमारा क्लोजिंग डिफरेंस कितना आ रहा था। जी देखिए हमारा क्लोजिंग डिफरेंस, हमारा क्लोजिंग डिफरेंस जो है 900 आ रहा था, इट मीन्स उन्होंने पिछली जो ब्लैक डेट में कोई एंट्री नहीं मारी है, मतलब पीछे, मतलब अप्रैल 20 से मार्च 21 के बीच में
स्टेटमेंट देने के बाद हमें अपनी बुक्स में उन्होंने कोई एंट्री नहीं मारी, इस वजह से हमारा ओपनिंग बैलेंस मैच हो रहा है। ओपनिंग जो है ये मैच हमारा हो रहा है उस सीट, और ये बैलेंस हमारा जो हमारी ये ओपनिंग का बैलेंस है, ओपनिंग डिफरेंस है, ये जो हमारी पहली स्टेटमेंट आई है उसका क्लोजिंग से हमेशा मैच होना चाहिए, अदरवाइज हम स्टेटमेंट बनाएंगे बट रिपो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इस तरीके से हम क्लोजिंग जो क्लोजिंग है वो भी लिखेंगे, इसका क्लोजिंग 42 और 21, 21,300 का डिफरेंस हमारा ये आ गया, 21,300 का। फिर वही हम यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस एज पर एशियन 31/7/2021 में इतना है। सेकंड रिको बनाते समय सबसे पहले हमने जो हमारे फर्स्ट रिको में जो पॉइंट लिखे थे हमने, जैसे कि हमारे ये पॉइंट लिखे थे वाले बिल नोट एंटर्ड इन एसोसिएट, बाकी और भी पॉइंट थे, इन पॉइंटों को हमने सबसे पहले देखना है इस पीरियड की स्टेटमेंट में, मतलब कि इस पीरियड के स्टेटमेंट में हमने देखना है क्या ये जो एंट्री है पॉइंट हमने लिखे हैं क्या हमारी ये सॉल्व होगी इस स्टेटमेंट के अंदर या नहीं। अगर ये पॉइंट सपोज जो हमने भी पॉइंट हमारा सपोज फॉर एग्जांपल लेते हैं हम कि बिल नंबर 3-4 जो है हमारा जो है एंटर्ड नहीं हुआ, एस के एसोसिएट ने अपनी बुक्स में एंटर नहीं करा, तो अब हम देखेंगे अप्रैल 21 से जो जुलाई जुलाई 21 तक हम सेकेंड रिको कर रहे हैं क्या ये पॉइंट क्या ये एंट्री हमारी इस स्टेटमेंट में हमने कर ली या नहीं करी। अगर कर ली है तो वो पॉइंट हमारा कट जाएगा, अगर वो एंट्री हमें नहीं मिली है तो जितनी भी एंट्री है इस तरीके से हम सारी एंट्री चेक करेंगे, पहले वाली जो रिको होगी फर्स्ट रिको होगी तो उसकी सारी एंट्री चेक करेंगे। अगर उनमें से सपोज 10 एंट्री है टोटल हमारे, सपोज इसमें हमारी 6 एंट्री हैं, अगर 6 में से हमारी 3 कट गई हैं तो 3 को तो हम छोड़ देंगे, जो बाकी 3 बची होंगी हम उन एंट्री को इसमें पेस्ट करेंगे सेकंड वाली रिको में, फिर दोबारा से उठा लेके आएंगे उन एंट्रियों को। कहने का मतलब यह है कि सेकंड रिको बनाते समय सबसे पहले हमने जो फर्स्ट रिको के जो पॉइंट थे उनको सॉल्व करना है स्टेटमेंट से, अपनी जो हमारी अगली स्टेटमेंट है ना अगली रिको के लिए उस स्टेटमेंट से हमें उसे सॉल्व करना है, मिलती है तो ठीक है नहीं तो जितनी भी जो पॉइंट है हमारे जो रह जाते हैं कटने से जो हमारे नहीं मिलते सेकंड सेकंड स्टेटमेंट में उन्हें हम सेकंड रिको में लिखेंगे। या फिर एक तरीका और है इसका, या फिर ये काम हम ये कर सकते हैं कि फर्स्ट रिको के सारे पॉइंट को सेकंड रिको की एक्सेल शीट में लिख दो, फिर सेकंड रिको के जो डिफरेंसेस हैं उनको भी सेकंड रिको की एक्सेल शीट में लिख दो, दोनों मतलब पहले के भी पहले रिको के जो भी डिफरेंसेस के पॉइंट थे वो भी लिखने हैं हमने, और जब हम सेकंड रिको करेंगे जो उसमें उसमें जो डिफरेंसेस पॉइंट पॉइंट निकलेंगे उनको भी हम एक्सेल शीट में लिख देंगे, मतलब पहले के भी सारे लिख दिए और सेकंड के भी जो भी मिले वो भी सारे लिख दिए। अब हमने उसके बाद हमने देखना है क्या आपस में कोई मैच हो रहा है, अगर कोई फर्स्ट और सेकंड का आपस में क्रॉस हो रहा है तो हम उनको काट देंगे। आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, बाकी इसको मैं प्रैक्टिकल में अभी आपको समझाने वाला हूँ किस तरीके से पॉइंट लिखने हैं और काटने हैं। ये देखिए हमने इस रिको में ये लिखा, सबसे पहले हमने क्या करा कि पहली रिको के जितने पॉइंट थे हमने सारे के सारे सेकंड रिको में लिख दिए, कि डेबिट नोट हमारे पहले रिको में थे ये 5,000 की एंट्री थी ये हमने इसमें लिख दी, ये 2,400 की एंट्री ये भी हमने इसमें लिख दी है, और ये 7,000 वाली भी हमने इसमें लिख दी है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये एंट्रियाँ 6 की 6 एंट्रियाँ, ये देखिए ये एंट्री भी हमने लिख दी दोनों एंट्री उठा के 2, 3 ये भी 4, 5 और ये 6, इन 6 के 6 एंट्री को हमने नीचे सेकंड रिको में लिख दिया है। अब हम जो है सेकंड रिको करेंगे, सेकंड रिको के डिफरेंसेस पॉइंट सर्च करेंगे,
देखिए, हमने पहले वाले तरीके से ही मतलब इन कॉलम को सिलेक्ट करा, फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाके यूनिक वैल्यू निकाल लिए। इस तरीके से ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ किस तरीके से हम डिफरेंसेस निकाल ले हैं। मैंने अपने ऑलरेडी निकाल रखा है जिनका टोटल नीचे मार रखा है, जैसे हमने पहले करा था। ऐसे करने के बाद ये टोटल डिफरेंस का टोटल, ये नेट डिफरेंसेस का टोटल 1300, ये हमारे मैच हो गया हमारे 1300 से। हमें ये हाईलाइट हो गए डिफरेंसेस वाले पॉइंट, अब हमने इनको लिख देना है इस शीट में। ये तो हमारा ओपन डिफरेंसेस था, ओपन डिफरेंसेस जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं ऊपर ही। ये 800 रुपये की सेल है, इस पर बिल नहीं चढ़ा, हमने लिख दिया इस रिपो में। ये 20,000 की पेमेंट है, पार्टी ने नहीं चढ़ाई, ये हमने यहाँ लिख दी 20,000 की पेमेंट, ये ऊपर की तरफ, ये नॉट एंटर्ड इन एशियन। इस तरीके से हमने ये 400 रुपये का बिल था जो हमने चढ़ा रखा, पार्टी ने चढ़ा रखा है, इसको भी हमने यहाँ पे लिख दिया। ये देखिए 400 रुपये का बिल था, हमने यहाँ लिख दिया। अब ये लिखने के बाद अब हमने ये देखना है कि अब हमने पहले रिको के पॉइंट भी सेकंड रिको में लिख दिए और सेकंड रिको के पॉइंट भी हमने सेकंड रिको में लिख दिए। अब हमने ये देखना है कि क्या कोई इनमें कोई कोई एंट्री ऐसी है, फर्स्ट रिको कोई एंट्री ऐसी है जो सेकंड रिको में हमने सेकंड रिको में लिखी है और आपस में क्रॉस होती हो। जैसे कि मैं देखता हूँ कि हमने पहले फर्स्ट रिको के पॉइंट भी उसमें लिखा था, सेकंड रिको के पॉइंट में भी लिख दिया। क्या सेकंड रिको में कोई ऐसी एंट्री है फर्स्ट रिको को कोई किसी पॉइंट को काटती है, हमें देखना पड़ेगा। जैसे मैंने ये देखा कि देखो ये हमने इसको लेस कर रखा है, जो पहले रिको से उठ के आया ये पॉइंट, ये लेस कर रखा था, कोई बिल था जो हमने नहीं चढ़ा रखा था 400 रुपये का, बिल नंबर 4। और देखो सेकंड रिको में ये मिल गया, ये हमने ऐड कर रखा है ये अब, और ये हमने ऐड चढ़ा रखा और पार्टी ने नहीं चढ़ा रखा। इसका मतलब ये है कि पहली रिको वाला जो पॉइंट था सेकंड रिको में ये क्लियर हो गया है। इस प्रकार की एंट्री को हम लीड मार देंगे। सपोज जैसे मैं लीड मारता हूँ तो हमारा जो बैलेंस है ये डिफरेंसेस नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये ऐड है, ये टिक मारने को, ये लीड मारे इसको, ठीक है, 4 से फर्क आ गया। अब मैं जो ऊपर वाला बिल है उसको भी डिलीट मारूंगा, ये भी डिलीट मार दिया मैंने, ठीक है। तो ये देखिए हमारा जो है ये फर्क, ये जो बैलेंसेस है बिल्कुल मैच आ रहा है, मतलब ये हमारा जो हट गया है। इस प्रकार हम, या फिर मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था कि आप जैसे कि पहले रिको के पॉइंट को सपोज फॉर एग्जांपल यही लेते हैं, जैसे कि 400 रुपये का बिल था और 400 रुपये बिल की एंट्री हम पहले पहले रिको के पॉइंट था उसमें देखते हैं, फिर हम सेकंड रिको जो थी हमारी अप्रैल 21 से जुलाई 21 की, इसके बीच में देख के 400 बिल नंबर 400 की एंट्री हमारी हमने करी या नहीं करी। कर ली है तो हम काट देंगे, ना ही हम पहले रिको से उठा के पहले रिको से उठा के सेकंड रिको में लिखेंगे, ना ही हम सेकंड रिको में जो पॉइंट मिलेगा उसको लिखेंगे। जैसे जो एंट्री हमने अब डिलीट करी है वो पहले ही डिलीट हो जाएंगी। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, जो आपको तरीका सही लगे आप उस तरीके से इसको मेंटेन कीजिए। मैं आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे। या तो देखो पॉइंट दोनों को रिको के पॉइंट को लिख लो, लिखने के बाद उनको ट्रीट कर दो मैच करके, या फिर यह है कि पहले रिको के पॉइंट को पहले ही स्टेटमेंट में जो सेकंड स्टेटमेंट है उससे मैच कर लो, उसको वहीं से वहीं रफा दफा कर दो, उसको मत लिखो, और जो बाकी पॉइंट रह जाएंगे उनको हम लिख ही लेंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से आपने देखा कि ये हमारा मैच हो गया है। अभी फिलहाल जो एंट्री मैंने डिलीट करी है उनको विजिट वैसे कर देता हूँ, Ctrl Z और Ctrl Z। देखिए जेड करने के बाद ही मेरे बैलेंस बरकरार है। पक्का कोई और भी एंट्री होगी जो मैच हो जाती है उसको भी डिलीट कर दीजिए आप। ऐसे ही जिसको मैंने पहले भी बताया था इसको आप इग्नोर कर दीजिए, ये अपने रेफरेंस के लिए इसमें भी हमने इसको इग्नोर करना है। अब हम आते हैं कुछ पॉइंटेड पे, नोटेड पॉइंट पे। हमने जो पार्टी का काटा होगा, जैसे हम कोई लेजर स्टेटमेंट ऐसी जिसका हम जो वर्क करते हैं हम टीडीएस काटते हैं, तो जो हम टीडीएस काटते हैं उस टीडीएस को हम लेस करेंगे, जिसको मैंने बता रखा है कहाँ लेस करना, ये टीडीएस है ये।
यहाँ पे इस टीडीएस के अमाउंट को हम यहाँ पर डालेंगे। मतलब यह है कि टीडीएस हमने जो टीडीएस काटा है उसे लेस करेंगे और उस कॉलम में दिखाएंगे, ठीक है। हमारा सेकंड पॉइंट है कि पार्टी बैलेंस में प्लस माइनस करते हुए एसके के बैलेंस पर पहुंचना है, क्योंकि हमने पहले पार्टी का बैलेंस लिखा और उससे प्लस माइनस करते हुए हम एसके के बैलेंस पे आते हैं रिको में। तो इसमें आगे कहता है कि पहुंचना है कि एसके के बैलेंस पर पहुंचना है, कि जिस एक्शन से एसके की बुक्स में पार्टी का बैलेंस इंक्रीज होता है उसे प्लस, और जिस एंट्री से कहते हो आप, जिस एंट्री से एसके की बुक्स में जो पार्टी का बैलेंस है मतलब एशियन का बैलेंस है डिक्रीज कम होता है तो उसे हम माइनस करेंगे रिको शीट में जब जाके हमारा बैलेंस मैच हो जाएगा। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, जैसे कि हमने फर्स्ट रिको के सारे पॉइंट को सेकंड रिको में लिखा, ऐसे ही सेकंड रिको के सारे पॉइंट को थर्ड रिको में लिखा। ऐसा करने से हमें ओपनिंग डिफरेंस को फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, जैसे कि हमने पहले रिको करी, उससे कुछ पॉइंट निकले, अब उन पॉइंटों को हम सेकंड रिको में लिख देते हैं तो हमारा बैलेंस मैच हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि रिको के पॉइंट को बैलेंस में ना लिख के जो उसका ओपनिंग ओपनिंग होता है उसको ऐड कर देते हैं। कई बार हम उन डिफरेंस को ना लिख के कई बार हम उन अगर कई बार हम उन डिफरेंसेस को ना लिख के जो फर्स्ट स्टेटमेंट क्लोजिंग का डिफरेंस होता है, जो हमारे लिए अब ओपनिंग का डिफरेंस हो गया है, हम वो लिख देते हैं ना कि डिफरेंस लिख के, तो बात बराबर आती है। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, जैसे कि हमने फर्स्ट रिको करी उसमें कुछ डिफरेंसेस के पॉइंट निकले, फिर हमने सेकंड रिको करी, तो जैसे कि हम नॉर्मल क्या करते हैं कि फर्स्ट रिको के जितने भी डिफरेंस के पॉइंट होते हैं उनको सेकंड रिको में डाल देते हैं और सेकंड रिको हम बना लेते हैं, वो सेकंड रिको हमारी मैच हो जाती है। और कई बार हम क्या करते हैं, हम सेकंड फर्स्ट रिको के जो डिफरेंसेस के पॉइंट होते हैं उनको ना लिख के जो फर्स्ट रिको का क्लोजिंग का डिफरेंस होता है जो सेकंड वाले रिको के लिए वो ओपनिंग का डिफरेंस हो जाता है, हम उसको लिखते हैं और उसको हम फॉर्मूले में ऐड कर लेते हैं, उसको हम फॉर्मूले में ले लेते हैं, तो हम उसको ऐसे लेके सेकंड रिको मैच करते हैं। तो ये तरीका गलत था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें खाली जो फर्स्ट रिको के डिफरेंसेस के पॉइंट है उनको ही सेकंड रिको में लिखना चाहिए, ना कि जो बैलेंस है उसको फॉर्मूले में लेना चाहिए।
दूसरा पॉइंट हमारा नोटेड पॉइंट है, अगर एक फिगर माइनस में है और एक फिगर प्लस में है तो दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए प्लस करो। हमारा लास्ट पॉइंट है, अगर हमें किसी किसी दो वैल्यू का डिफरेंस निकालना है और दोनों वैल्यू डेबिट साइड या क्रेडिट साइड में हो तो दोनों वैल्यू का डिफरेंस निकालने के लिए दोनों को प्लस करो, मतलब सेम साइड हो तो प्लस करेंगे अदरवाइज माइनस करेंगे। अब मैं आपको एक डेमो शीट बता रहा हूँ कुछ तरीकों के बारे में, जो पॉइंट मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। मैं एक बार आपको दोबारा रिव्यू करा दूँ, स्टेटमेंट रिव्यू स्टेटमेंट को लेके। ये मैंने एक स्टेटमेंट बनवाई बनाई है अप्रैल 20 से मार्च 21 तक की। क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं था, क्लोजिंग बैलेंस मैंने लिख दिया पर 2000 का था, फिर इसको लेके मैंने स्टेटमेंट बनाई। यहाँ नीचे चलता गया मैं, ये दो बिल मिले मुझे 1000 रुपये के जो हमने नहीं चढ़ा रखे। एक मिनट इसको व्यू प्रॉपर कर देता हूँ मैं इसका, जो आपको देखने में आसानी हो। जैसे देखो पूरी करने के बाद हमारा ये मैच डिफरेंस 0 हो गया। ये डिफरेंस हमारा 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 हमेशा 0 होना चाहिए। फिर सेकंड को बनाई हमने अप्रैल 21 से जुलाई 21 तक की, मतलब मार्च 21 के बाद ही हमें स्टेटमेंट रिको करनी है। और ये भी ध्यान रखिए आप, दोनों पार्टियों का जो पार्टी की जो स्टेटमेंट है सेम पीरियड की होनी चाहिए, उसी से ही प्रॉपर रिको मेंटेन कर सकते हैं और आगे उसको लेके चल सकते हैं। ये हमने ओपनिंग डिफरेंस लिखा, जो क्लोजिंग में वैल्यू आ रही थी वो हमारे लिए इस टाइम ओपनिंग आ गई। फर्क कितना था, 2000 रुपये का था। क्लोजिंग में क्लोजिंग का हमने फर्क यहाँ से ले शीट से ले लिया। एक रफली शीट बना रखी मैंने, लेजर बना रखे समझाने के तौर पे। परचेज की ये मैंने मर्ज एंट्री डाल रखी है, 1000, 3000, 4000 और 5000, और बाकी ये एंट्री 1000 रुपये की अलग अलग हैं जो मैंने रिको में दिखा रखी हैं, बट टोटल इनका टोटल इसी तरीके से है, 3000 है, 4000 जैसे या 5000 रुपये है। ये मैंने डाला, फिर मैंने कुछ पहले तो मैंने फर्स्ट रिको के पॉइंट को वहां उठा के लेके आया मैं, ठीक है। बाकी जो सेकंड रिको के पॉइंट थे वो भी मैंने इसमें लिख दिए। अब आप देखेंगे कि मैंने इसको येलो कर रखा है, और मैंने आपको बता रहा था कि दोनों पॉइंटों को लिखने के बाद आपको क्रॉस चेक करना, कोई पॉइंट तो पहले रिको का तो नहीं है, अगर हो तो उसको डिलीट कर दो। जैसे कि मैंने देखा ये बिल नंबर 1 है जो हमने पहले नहीं चढ़ा रखा था, रिको में पॉइंट था हमारे पहले रिको में, अब चढ़ गया तो ये पहली बार पहले लेस हुआ था, अब ये ऐड हो गया, तो हम इसको डिलीट कर देंगे तो भी हमारा बैलेंस डिफरेंस 0 हो जाएगा। ये देखिए, क्योंकि एक बार प्लस हुआ एक बार माइनस हुआ, ठीक है। आप कभी भी जब भी आप पार्टी को स्टेटमेंट रिको स्टेटमेंट दो, इस तरह के एंट्री को डिलीट करने के बाद ही पार्टी को मेल करना। बाकी मैं अभी आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए मैं आपको इसको रिवर्स कर देता हूँ इसको, ठीक है। फिर मैंने तीसरी रिको करी मैंने पार्टी की जुलाई के बाद, 1 अगस्त से 30 नवंबर तक की। हमेशा रिको बढ़ती जाएगी, डेट टू डेट बढ़ती जाएगी हमेशा। जैसे 31 जुलाई के बाद सीधा 1 अगस्त से स्टार्ट हो गई हमारी रिको। फिर दोबारा ऐसे ही मैंने इसका भी लेजर बना रखा है, ऐसे ही मैंने ये बैलेंस उठाया इसका, ये ओपनिंग बैलेंस 15-12 कहाँ से आया, स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। बाकी का नाम है आप जो वैल्यू है जो पहली रिको है उसमें भी देख लीजिए, क्लोजिंग बैलेंस 12 आ रहा है और 15 एशियन का, एशियन का ऊपर होगा देखो आपका, ये 15 एशियन का आ रहा है, ठीक है। ये करने के बाद हमने हमने ये देखा कि तीसरी जो रिको उसमें तो हमारा जो क्लोजिंग का डिफरेंस है, तो ये रहा ये डिफरेंस है, क्लोजिंग का बैलेंस इतना 15 है, हमारे 15 0 हो गया। जब 0 आ गया तो हमें रिको करने की जरूरत ही नहीं है, बट मैंने एक प्रैक्टिकल देखने के लिए कि मतलब 0 आया किस वजह से, मतलब 0 हुआ उसके लिए मैंने स्टेटमेंट की रिकन्सिलेशन करी, तो मैंने देखा इस तरीके से। पहले तो मैं वही सेम प्रोसेस अपना कि जो लास्ट रिको थी उसके सारे पॉइंट को यहाँ उठा के लेकर आ गया, फिर इसकी आप इन दोनों की रिकन्सिलेशन करी, जो पॉइंट मिले उनको मैंने यहाँ लिख दिया। मैंने देखा कि ये तीनों पॉइंट पिछली
जो ये पॉइंट है इनसे मैच कर लें, तो मैंने काट दिया और मेरा रिकंसिलेशन मैच हो गया। और यही रीजन है कि वो जो मेरा जीरो आ रहा था क्लोजिंग बैलेंस, इसका मतलब ये है कि जितने भी मेरे पॉइंट थे पिछले वो सारे रिजोल्व हो गए, वो करंट का भी सारा मैच है और पिछले भी जो मेरे पॉइंट थे इस रिको में कवर हो गए, इसलिए मेरा जीरो है। इस प्रकार ये हमारा जीरो आ गया है। ये तरीका खाली आपको समझाने के लिए था कि किस प्रकार आपने एक रिको के बाद दूसरे को करनी है, कैसे इन दोनों को आपस में लिंक करना और किस तरीके से हमारे बैलेंस मैच हो जाते हैं बाद में रिको करते करते। ये जरूर नहीं है कि रिको में जो एंट्री हो सारी सारे एंट्री करनी पड़े। जैसे कि रिको में एक पॉइंट है, बिल एंटर्ड बाय अस बट नॉट एंटर्ड बाय पार्टी। इस प्रकार की एंट्री के लिए हम पार्टी से ये नहीं कहेंगे कि इस एंट्री को आप अपनी टैली में करो, हो सकता है ये एंट्री उसने पहले कर रखी हो, जो हमारे इस रिको में पिछली रिको का पॉइंट हो। पार्टी ने उस बिल की एंट्री उस टाइम कर रखी है और हमने इसकी एंट्री अब करी है। जैसे कि हमारे ये पॉइंट था, ये तीन बिल हैं हमारे सामने जो पार्टी ने कर रखे थे, पहले पार्टी ने कर रखे थे जो हमने नहीं करे थे, और अब हमने जो है इनको कर लिया। तो इस प्रकार की एंट्री को हम पार्टी से ये नहीं कहेंगे सर आप इन बिलों की एंट्री कर लो। अगर हम पार्टी इस तरीके से कहेंगे, पार्टी अपनी बुक्स में बुक्स बैलेंस खड़ा कर लेगी और उसका बैलेंस बढ़ जाएगा और हमारा नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम सबसे पहले हमने देखना है और कि ये एंट्री पहले वाली एंट्री तो नहीं है। अगर वो पार्टी एंट्री कर भी लेती है तो हमारे वो पॉइंट कटेंगे नहीं, तो हमें वो पॉइंट ध्यान रहेगा यार ये पॉइंट तो कटे नहीं, तो ये एंट्री जब उस टाइम ही पकड़ी जा सकती है। मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, जैसे इस तरीके की एंट्री है और जैसे ये तीन बिल हैं और हमें नहीं पता चलता कि पिछले रिको के पॉइंट हैं, या हमें ध्यान से काफी लंबा लेंथी रिको है और ये एंट्री हम नहीं फाइंड आउट कर पाते, और हम पार्टी वाले से ये कह देते हैं कि सर ये तीन बिल हैं हमने चढ़ा रखे हैं, आपने नहीं चढ़ाए, कोई हमारा जाने पहचाने वाला बंदा है और वो हमें नहीं बताते, झूठ बोल के इन तीनों एंट्रियों को उसमें चढ़ा लेता है, अपनी बुक्स में चढ़ा लेता है और उसकी बुक्स में हमारा बैलेंस बढ़ जाता है, जिससे हमारा नुकसान है। और ये तीन एंट्रियां ऐसी हैं जो हमारी पिछली रिको का पॉइंट थी, जो इस पॉइंट हमारे रिको में अभी भी खड़े रहेंगे क्योंकि ये हमने काटे नहीं हैं, काटे नहीं हैं, काट देते तो हम उसे चढ़वाते ही नहीं, हमने उसे चढ़वा लिए तो ये पॉइंट हमारे तीन के तीन खड़े रहेंगे। फिर जब अगली कई रिको होगी फिर हम गौर करेंगे कि यार ये तीन बिल एंट्री जो है अभी तक काटी नहीं, ये तीन बिल हमारी बुक्स में हमने चढ़ाए नहीं, फिर हम देखेंगे यार ये बुक्स में एंट्री हमने चढ़ा तो ली है, फिर हम देखेंगे यार ये एंट्री हमने चढ़ा ली है और पार्टी पार्टी ने ये एंट्री पहले भी कर ली थी और अब भी कर ली। मैं ऐसा करता हूँ आपको ये वीडियो प्रॉपर समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वीडियो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी पिछली वीडियो जो कि एडिटर और डायरेक्टर की एजिंग के ऊपर है,